युद्ध का मैदान था और एक समय की बात है, दुश्मन हमें और हम दुश्मन को मार रहे थे। दोनों तरफ से गोली बारूद और बंदूक चल रही थी। इतने में एक जवान अपने ऑफिसर के पास जाते हैं और आज्ञा मांगते हैं कि ऑफिसर, मुझे युद्ध के मैदान में जाने की आज्ञा दी जाए। मेरा दोस्त, मेरा देश मुझे पुकार रहा है, मुझे उनकी रक्षा के लिए जाना होगा। ऑफिसर कहते हैं, जवान अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां जाने पर तुम भी बेमौत मारे जाओगे, इसके मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दूंगा। बहुत बार वो जवान गिड़गिड़ाता है। आखिर उसके ऑफिसर कहते हैं, जाओ अब मैं क्या कर सकता हूं। वो जाता है और कुछ देर के बाद वही जवान वापस आ रहा होता है और उसके कंधे पर जिस दोस्त को बचाने के लिए जा रहा होता है उसकी लाश होती है। तब ऑफिसर बाहर आके कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था कि कोई फायदा नहीं होगा। उससे कहा कि सर माफ करेगा, लेकिन फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? कि जब मैं वहां पहुंचा तो उसकी अंतिम सांस निकलने ही वाली थी और उसने मुझे कहा, दोस्त मुझे विश्वास था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। ये विश्वास ही मेरे लिए बहुत कीमती है। प्रिय साथियों, क्या सीख मिलती है इसे? जीवन में सच्चे दोस्त, जब आपको उसकी जरूरत होती है तब हमेशा उसके साथ रहिए। कहा जाता है कि माँ और बाबूजी के बाद अगर कोई किसी को पास से जान सकता है तो वो दोस्ती है। एक हमारा दोस्त ही होता है जो हमारे दिल की बातों को बिना बताए जान लेता है, हर मुसीबत में हमारा साथ दे सकता है। यह स्वार्थ से नहीं लेकिन अपनत्व से दोस्ती जरूर बनानी चाहिए और निभानी भी चाहिए।